सॉरी सॉरी मैडम सॉरी क्या तुम भाग रहे हो मैडम 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 गलती हो गया मैडम हमसे हमने कसम खाकर बोलते हैं कि आज के बाद से गलती से भी ना आपके और हसीना मैडम के तकरार के बारे में सनिया के सामने कुछ नहीं बोलेंगे मैडम कसम से हाँ भले ही हम हाथ से अपने पेपर पर नहीं लिखे मैडम लेकिन अपना मन में ना 8000 बार का 1 करोड़ बार से भी ज्यादा बार लिख चुके हैं आई एम सॉरी सॉरी मन में सॉरी नहीं फिर तो गड़बड़ हो गया ना बंधु का गड़बड़ हो गया मैडम नहीं क्यों इतने बड़े बड़े जो लेखक है पत्रकार है जो साहित्यकार है वो जो अपनी इतनी बड़ी बड़ी रचनाएं जो उन्होंने लिखा है इतने बड़े बड़े पत्र लिखे हैं अगर वो मन में सोच के मन में ही लिख लेते तो उनकी इतनी बड़ी बड़ी जो रचनाएं हैं वो हमारे तक कैसे पहुंचती उन्होंने मन में सोचा लिखा तभी ना वो इतने बड़े बड़े विद्वान कहलाते हैं करेक्ट बिल्कुल सही बोली मैडम ये बात तो आप बस तुम्हें भी अब 8000 बार की ये गलती तुम दोबारा नहीं दोहराओगे तुमको लिखना है हाँ, नहीं, मैडम और लिखाई की दुनिया में इतना बड़ा इतिहास रचना है तुमको समझ गए हम लोग का तो 5000 पे डील डन हो गया था ना हुआ था तब तुम 5000 बार लिख देते तो 5000 रहता अब वो 8000 हो गया है और तुमको 8000 बार लिखना है मैडम 5500 कर लेते मैडम तुमको सुनाई नहीं आ रहा है 8000 बार लिखना है मैडम डन ओके कल करे सो आज करे सो अब अभी हमारे आंखों के सामने बैठ के यहाँ तुम टोपो करके कहाँ बोले थे हम तुमको ये पहुँचाने के लिए नहीं पहुँचाए नहीं मैडम जहाँ जहाँ बोली थी ना वहाँ वहाँ ही फोटो पहुँचा दिए हैं बस अड्डा हवाई अड्डा रेलवे स्टेशन गैस स्टेशन शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल हर जगह ही फोटो पहुँचाने के बाद से उसके बाद यहाँ पर रखे हैं लेकिन कहीं से भी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया कोई भी नहीं पहचानता इन लोगों को मैडम पता नहीं कब मिलेंगे ये दरिंदे हमको यही करे का मूवी का पोस्टर नहीं है वो मैडम हमने देखा इनको हाँ? 100% देखा है अपनी आंखों से देखा है हाँ तो कहाँ देखा है हमको जल्दी बताओ कैसे कैसे बता देंगे मैडम कि माल का छुपा रखा है हर चीज की कीमत होती है अगर मेरी जगह मुखबिर होता तो आपसे कुछ ना कुछ जरूर लेता तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें कुछ ना कुछ जरूर दे यानी कि आप तो समझ गए होंगे बोले तो दाम शकास मैडम देंगी कुछ मैडम प्लीज समझ गए हम तुमको जो चाहिए ना वो हम समझ गए मिल गया और चाहिए अरे मैडम हमने हसीना मैडम के साथ देखा है थाने के बाहर देखा हम तो चाय की उधारी मांगने आए थे हसीना मैडम करिश्मा सिंह ये दोनों क्रिमिनल्स नहीं हैं साधारण लोग हैं क्या बात कर रही है मैडम सर ये लोग का फोटो सारा पुलिस स्टेशन में घुमा दिए हम तो कहीं भी दबोच आ जाएंगे चीते तेरा तो फिर भी ठीक है तुझे पता है मैंने कितनी मेहनत की है स्केच आर्टिस्ट से स्केच बनवाने में ना हो गया बकलोली दोनों का करिश्मा सिंह ये दोनों आम साधारण लोग हैं जो खुद आरती मेड एजेंसी का शिकार हुए हैं इन्होंने आरती एजेंसी से एक बाई बुलाई थी जो भाग गई लेकिन भागने से पहले वो अपना मोबाइल वहां भूल गई और वो मोबाइल उन्होंने हमें लाकर दे दिया संतोष शर्मा उस मोबाइल का पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रही है और उस मोबाइल के जरिए हम पहुंचेंगे असली क्रिमिनल तक तो फिर वो इतना बड़ा कहानी काहे बनाएगी हमारे सामने हमको झूठ काहे बोलेगी मतलब उसको क्या मिलेगा हमसे झूठ बोलकर कहा था ना जैन मैडम सर अगर पुष्पा सिंह नहीं रहेगी इस थाने में तो पता नहीं क्या होगा हमारे महिला पुलिस थाने का किसने कहा था ये कब कहा हमने कहा था और 100% सही कहा था जो किसी से नहीं सुलझ पाया वो हमने हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह नहीं हूं यूं चुटकियों में सुलझा दिया है अंदर आओ ये देखिए मैडम सर यही वो मेड है ना जिसे आप ढूंढ रही थी ये रही आपकी गुनहगार आपकी आंखों के सामने के सुलझ गया तालियां वालियां बजाने की जरूरत नहीं है हमने तो हमारा फर्ज निभाया गुड जॉब पुष्पा जी थैंक यू मैडम सर ना उम्र का तकाजा भी है या नींदों में ही विचर रही हैं आप ये हमारी मेड है शन्नो जिनको हमने मैडम सर के कहने पे सत्या मेड एजेंसी से बुलवाया है हमें सब पता है शायद आपको पता नहीं है कि यही वो मेड है जिसे मैडम से ढूंढ रही थी जी ये सच कह रही है यही वो औरत है जिसकी कंप्लेन लिखाने आया था ये कपल सुनील और रेखा जिन्हें आप क्रिमिनल समझ बैठी थी नहीं
नहीं, हमारे दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है। मेरे दिमाग में भी कुछ नहीं घुस रहा। कसम से मेरे दिमाग में भी कुछ भी नहीं। सॉरी सॉरी। एक मिनट मैडम सर, ये वही मेड है जो हमने आपके कहने पे सत्या मेड एजेंसी से हायर की थी। जी। तो मतलब ये फ्रॉड एजेंसी से मिली हुई है। जाहिर है। तो फिर वो कपल इसको मारेंगे कि उसके साथ ऐसा गंदा व्यवहार काहे करेंगे। ये झूठ बोल रही है। ये झूठ काहे बोलेगी, क्या मिलेगा इसको झूठ बोलकर? आप इससे पूछिए ना, अपने तरीके से पूछिए, देखिए फिर कैसे सर जो गलती है। सुनो, हमारा दिमाग तपा हुआ है बता रहे हैं तुमको, ज्यादा तपाओगी तो तुम्हारा दिमाग साथ में फटेगा हमारे, समझ गई? सच बताओ हमें अभी। मैडम जी, हमें माफ कर देना। वो कहना कि हम पहले ही सरेंडर करना चाहते थे, पर ना हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तभी पुष्पा मैडम जी ने बताया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, और हसीना मैडम अच्छी है, वो हमारे जज्बात समझ लेंगी, इसीलिए फिर हम यहाँ आने की हिम्मत कर पाए। वो क्या है ना मैडम, कि हम मेहनत कर करके अपने घर को चलाने वाले लोगों में से हैं। ये मेड एजेंसी वाले लोग हैं ना, ये हमारी गरीबी और मजबूरी का फायदा उठाते हैं मैडम, और इनके धोखाधड़ी में हमें शामिल कर लेते हैं। हम भी इनके शब्दों में आ जाया करते हैं, क्योंकि ना हम वो चूहेदानी में लगाया हुआ खाना देखते हैं, और खाने के लालच में ना हम भूल जाते हैं कि हम कितने बड़े जंजाल में फंसने वाले हैं। ये लोग हैं ना मैडम, हमें थोड़े से पैसे देकर ना लाखों की धोखाधड़ी करते हैं, और घाटे में तो हम जैसे लोग आते हैं, क्योंकि हम दोनों तरफ से मरते हैं। एक तरफ तो लोगों का भरोसा खोते हैं, और दूसरी तरफ हमें ही धोखेबाजी के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। मैडम जी, हमारे साथ साथ हमारी वो जो बहन है ना, जो पूरी तरह मेहनत और ईमानदारी से लोगों के घर में काम करती है, उनके घर की सदस्य बन चुकी है, उनकी छवि ना हमारी वजह से खराब हो जाती है। इसलिए ना मैडम जी, अब हमने सोच लिया है कि इन चालबाजों की बातों में नहीं आएंगे हम। हम ना कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, और ना मेहनत के बल पर रिजेक्ट कमाएंगे। अच्छा, और उस कहानी का क्या जो तुमने हमको सुनाई? काय उन मासूम कपल पे तुमने फालतू इल्जाम लगा दिया? माफ कर दीजिए मैडम, गलती हुई। उस वक्त कुछ सुझाने और खुद को बचाने के लिए ये झूठी कहानी हमें बनानी पड़ी। वो रेखा बीबी जी है ना, और सुनील साहब, उनके घर से भागते वक्त मेरा मोबाइल उनके घर में छूट गया था, तो मुझे बाहर से पता चला कि उन्होंने वो मोबाइल थाने में दे दिया है। तो वो मोबाइल निकालने के लिए मैंने करिश्मा जी को मेरे ऊपर अत्याचार हुआ ऐसे झूठी कहानी बना के बोल दिया। तजुर्बा कहता है हमारा, गरीब वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं होते, गरीब वो होता है जिसके पास स्वाभिमान नहीं होता। तुम्हारी गलती ये नहीं है शन्नू कि तुम गरीब हो, तुम्हारी गलती ये है कि तुम अपनी गरीबी को अपनी कमजोरी समझती हो। तो उम्मीद है अब तुम्हें बात समझ आ गई होगी। तो अब बताओ, कौन है वो, कौन चला रहा है ये बाइयों का फ्रॉड? गौतम, गौतम नाम है उसका मैडम। वही जगह बदल बदल कर और नाम बदल बदल कर एजेंसियां खोलता रहता है और ठगी का धंधा चलाता है। बहुत बढ़िया, आप मैडम सर हमें इजाजत दीजिए, ऐसे घसीट कर लाएंगे उसको थाने में और यहाँ का ब्रह्मांड का दर्शन कराएंगे उसको। नहीं करिश्मा सिंह, गौतम को हम पकड़ तो लेंगे, कानून उसे सजा भी दे देगा, लेकिन शन्नू की तरह जो औरतें हैं जो घरों में काम करती हैं, उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। और उनकी आंखें खोलना बहुत जरूरी है, उन्हें समझाना जरूरी है कि वो कितना गलत कर रही हैं। और जब हम ये कर लेंगे ना, तब हमें गौतम के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद आएगा हमारे पास। और ऐसा होगा मैडम साहब? बिल्कुल होगा। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, रखो कटका और मारो फटका। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, पकड़ो पोछा और कर दो टाइट। लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, रगड़ो ऐसे, कर दो ब्राइट। सानी, सारा फुटेज सब अच्छे से मिल गया ना? अरे बढ़िया मैडम। ओके, एडिट करके दे देना। अरे हमको समझ में नहीं आ रहा है कि आप काहे कर रही हैं, इससे क्या होगा, मतलब हमारे भेजे में कुछ घुस नहीं रहा है, हम उनको समझाएंगे क्या इसका परिणाम निकलेगा? बहुत जल्द आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास चैलेंज। इस चैलेंज में हम आपको 21 दिनों का समय देंगे। इन 21 दिनों में आपको अपने घर के सारे काम खुद करने हैं, और ये काम करते वक्त आपको वीडियो बनाना है और सोशल मीडिया पर अपलोड करना है। तो क्या आप लोग तैयार हैं इस चैलेंज के लिए? चैलेंज का नाम है 21 दिन बॉडी फिट चैलेंज। बिल्कुल, ये रिवॉर्ड हम ही जीतेंगे। आज से घर की मेड की छुट्टी में अपने घर का काम खुद ही करेंगे।
को ऐसे क्यों घूर रही हो? अरे हमने क्या किया है? यही तो है कि कुछ किया ही नहीं, सब कुछ चौपट होता जा रहा है, पूरा धंधा खराब हो गया है। जो लोग काम कर रहे थे उन्हें काम से निकाला जा रहा है, और जो लोग करना चाहते हैं उन्हें कोई काम पर नहीं रख रहा, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारी वजह से? हमने क्या किया? ना तुम ये फर्जी धंधा चलाते और ना हम थोड़े से पैसों की वजह से तुम्हारे साथ आते। ये सही है, चित भी मेरी पट भी मेरा। अरे एक तो काम दो, चार पैसे एक्स्ट्रा दो, ऊपर से हम ही गलत। कौन से चार पैसे? वो 4,000 का मामूली सा चिड़िया का चुग्गा और खुद करते हो लाखों की हेरा फेरी। अब क्या करें हम, कहाँ जाएं, कैसे चलाएं अपना घर परिवार? अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। देखना 2-4 दिन के बाद सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे पहले था। ऐसा ही हो जाए ना तो अच्छा है, वरना भूखा पेट कब क्या कर गुजरे ना कोई नहीं जानता।